मौत के फरिश्ते हजरत इसराइल अलम के से बने यानी हज़रत इसराइल अल्लम को ही रूह कब्ज करने का काम क्यों दिया गया दोस्तों जब अल्लाह ने हज़रत हज़रतम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जब्रैल सलम को ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया तो जमीन की मिट्टी ने हज़रत जब्रैल से कहा मैं तुम्हें उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो जमीन पर फसाद फैलाएगा और फिर वो इंसान जहन्नम में जालेगा इसलिए हजरत जब्रैल मिट्टी नहीं लेकर गए फिर अल्लाह ने हजरत इसराफी सलम को भेजा उनके साथ भी यही हुआ फिर हजरत मिकाइल को भेजा और उनको भी मिट्टी की बात सुनकर तरस गया और वो मिती नहीं लेकर गए फिर हजरत इसराइल असलम को जमीन पर भेजा गया लेकिन इसराइल असलम ने मिट्टी की बात नहीं मानी और कहा मैं अल्लाह के हुक्म के सामने तेरी बात नहीं मान सकता और इसराइल अलम मिट्टी लेकर गए तो अल्लाह ने हज़रत इसराइल से फरमाया तुम मिट्टी लेकर आए हो तो इंसान की रूह भी तुम्हें कब्ज़ करोगे और इस तरह हजरत इसराइल अलम मौत का फरिश्ता बने